हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट आई हुई टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में, कैसे आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ कवर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, सारे के सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल नए आए हैं, एक एक करके आपको समझाने वाले हो क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। हर एक क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज है जो यहाँ पे आउट हुई है, 8th पास, 10th, 12th, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा कैंडिडेट, आईटीआई कैंडिडेट, सबके लिए वैकेंसीज है। तो हर कोई आप इनसे यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एक एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी। पहले पहले नोटिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है, एज इट इज हम बाकी नोटिफिकेशन कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि इसके बाद जो चैनल पर वीडियो आ रही है ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट www.clory.com गूगल पे टाइप करना, पहले नंबर पे आपको साइट मिल जाती है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा बात करेंगे लेटेस्ट टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एक और आपके लिए गुड न्यूज है, मैंने आपके लिए एक नया चैनल बना दिया, मीत शर्मा चैनल, यूट्यूब में टाइप करना, पहले नंबर पर आपको चैनल मिल जाएगा। बताना चाहती हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की सीधी भर्ती आ गई है, कोई फी नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, वो वीडियो इसी चैनल पर आ रही है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल हम बात करिए लेटेस्ट टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इंडिया पोस्ट का, ठीक है, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट। अप्लाई आपको इसके लिए ऑनलाइन ही करना है, जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके लॉग इन करके आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें, यहाँ पे 18,000 से 81,000 आपकी सैलरी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, 10th पास की अलग वैकेंसीज हैं, 12th की अलग है, एनी ग्रेजुएट की अलग वैकेंसीज हैं, तो आप में से हर कोई यहाँ अप्लाई देखे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लिए वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है देखिए मेल गार्ड की है, ये बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है और मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था ये, ठीक है। तो हर कोई आप में से यहाँ अप्लाई कर पाएगा, अप्लाई आपको कर लेना, ठीक है। इसके लिए सैलरी की बात करें, 25,500 से 81,100 है। पोस्टमैन की नेक्स्ट पोजीशन है, 21,700 से 69,100 सैलरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से 56,900 सैलरी आपकी रहने वाली। तो यहाँ पे पहले जो पोस्ट है मेल गार्ड की, इसके लिए 12th एंड ग्रेजुएट दोनों एलिजिबल हैं। पोस्टमैन के लिए 12th, ग्रेजुएट दोनों एलिजिबल हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप में से हर कोई यहाँ अप्लाई कर सकता है। अगर एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18, मैक्सिमम इसके लिए 28, प्लस आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है 3 से 15 साल तक का, 3 साल का OBC को, SC ST को 5 साल का। इसके अलावा जो PWD कैटेगरी है, अनडिजर्व का अलग से रिलैक्सेशन है, रिजर्व का अलग से है, एक्स सर्विसमैन का अलग से है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपीज आपकी यहाँ पे सिर्फ फी है, वो भी अनडिजर्व के लिए, ऑनलाइन पे करनी है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने अदर मोड नहीं है फी भी पे करने का, ठीक है। रिजर्व कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो है देखिए पहला नोटिफिकेशन, अब बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में। सेकेंड ये जो नोटिफिकेशन आपका है रेलवे का, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है। इसके लिए भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है, दोनों कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल नई वैकेंसीज है, ठीक है। सैलरी की बात करें, 25,000 से 80,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन आउट की गई हैं, तो यहाँ पे अप्लाई आपको कर लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, इस नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्लोज नहीं की गई है, इवन अनडिजर्व के लिए भी, क्योंकि अगर देखिए फी होती तो ये मेंशन तो करते, तो आप इसको नो फी कंसीडर कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन खुद भी एक बार रीड कर लेना। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फी भी नहीं होगी मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लगेगी, या फिर आपके इंटरव्यू हो सकते हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। वैकेंसीज यहाँ पे देखिए अलग अलग आउट हुई है, जिसमें मैनेजर की वैकेंसीज है, डिप्यूटी मैनेजर की हैं, और भी अलग अलग वैकेंसीज हैं। रेलवे का एक और नोटिफिकेशन भी है, इसी में आपको बता देती हूँ, जिसमें आपकी ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक,
ठीक है, वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, गैस कटर, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड है, यहीं पे आपको लिंक मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए। अपने आप को पहले आपने रजिस्टर करना है, अपनी डिटेल्स फिल करके, उसके बाद यूजर ने पासवर्ड लिख के मैंशन करके लॉग इन करके अप्लाई आप कर सकते हैं। ये तो है सेकेंड नोटिफिकेशन। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया 5 नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे बताने वाले हूँ, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, 8th, 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, IT। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नोटिफिकेशन पर। थर्ड जो नोटिफिकेशन आपका है SBI का, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में किसी तरीके की देखिए कोई आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है। ऑल मेल फीमेल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई शुरू यहाँ पे हो चुका है। अप्लाई करने के लिए आपको सीधा इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके ही अप्लाई करना है, जैसे प्रीवियस वैकेंसीज में किया था आपने। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 42 आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जनरल OBC के लिए 750 फी है, SC ST PWD की कोई फी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ ये सैलरी की बात करें, 36,000 से 78,230 आपकी रहने वाली है। इसमें देखिए सिलेक्शन के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया कोई एग्जाम नहीं है, तो इसमें आपका देखिए शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको इन्वाइट किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। यहाँ पे वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट VP, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव एंड अदर वैकेंसीज है। और इसके लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इधर रिक्वायर्ड लिंक में आपको अप्लाई करने के सारे लिंक मिल जाते हैं, जहाँ पे आप सीधा इनकी ऑफिशियल साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे या वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हो गए तीन नोटिफिकेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ नोटिफिकेशन पर। फोर्थ यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का है, ठीक है। तो ये जो आपकी वैकेंसीज है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, इंडियन रेलवे की तरफ से मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था ये, ठीक है। इंडियन रेलवे का मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी है एप्लीकेबल डेफिनेटली है, क्योंकि परमानेंट जॉब है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं अनडिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 500 फी रहने वाली है, रिफंडेबल रहेगी। इसी के साथ रिजर्व्ड के आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, फीमेल किसी भी कैटेगरी से है, उनके लिए 250 फी है। ये आपको रिफंडेबल देगी जब आपका CBT एग्जाम हो जाएगा, मतलब अपना CBT एग्जाम दे देंगे उसके बाद ये आपको फी रिफंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें वैकेंसीज कौन सी है, ये आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज है, 95,000 प्लस वैकेंसीज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। सिलेक्शन के बारे में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका CBT टेस्ट होगा, जो मैंने आपको बताया फी रिफंड हो जाएगी, वो CBT के बाद ही आपको लिंक होगा, आपको लिंक दिया जाएगा इंडियन रेलवे की साइट पे अलग अलग जोन वाइज, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे आपको फी रिफंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो यहाँ पे जनरल साइंस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके रहेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और 90 मिनट्स का आपके पास यहाँ पे टाइम रहेगा। अगर सब्जेक्ट वाइज यहाँ बात करें तो जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स के भी सेम, उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ एलिजिबिलिटी की बात करें, 10th, 12th ITI यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज आपके सामने मिनिमम 18, मैक्सिमम 33, प्लस आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है। आपको पता है OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, अदर कैटेगरी के लिए अलग से रिलैक्सेशन यहाँ मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आया आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था, आप में से हर कोई अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है ना सिर्फ और सिर्फ 10th पास है, 12th या ग्रेजुएट चाहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊँ वैकेंसीज इंक्रीज भी हो रही है, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ये जो वैकेंसीज हम बात कर रहे हैं SSC GD की है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सशस्त्र बल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल के लिए वैकेंसी, मतलब CASF के लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, आसाम राइफल, ITBP के लिए। अब यहाँ पे वैकेंसीज जो है मेल फीमेल दोनों की अलग अलग डिवाइड की हुई है, अभी 26,000 के अराउंड, बट प्रीवियस टाइम भी वैकेंसीज आई थी तब भी इंक्रीज हुई थी, और इस बार भी चांसेस पूरे हैं, इंक्रीज वैकेंसीज आपकी होनी है। 10th पास अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सिलेक्शन की, आपका रिटर्न होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। अब देखिए अप्लाई आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है, कोई अदर मोड नहीं है। अब यहाँ पे सैलरी आपकी देखिए 21,700 से 69,100 तक रहने वाली है, ठीक है।
अब इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग के भी इसी तरीके से, जनरल नॉलेज मैथ्स के, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के बेसिकली आपके रहेंगे। हाइट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आप रीड कर सकते हैं। फी के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी मेल के लिए 100 है, एससी एससी और फीमेल के लिए कोई फी नहीं है, फ्री में अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 प्लस आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ मिल रहा है, इसके लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। लास्ट में आपको लिंक मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए, यहाँ क्लिक करके आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको इस वीडियो में ना 5 टोटल नोटिफिकेशन बताए हैं, जिसमें 4 के लिए अप्लाई शुरू हो चुका है, एक जो रेलवे ग्रुप डी का है उसके लिए अप्लाई अभी शुरू होगा, अभी अपडेट ही आया है। आप सोच रहे होंगे हर बार अपडेट अपडेट ही करते रहते हैं सारे यूट्यूब में, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई भी यूट्यूब पर बता रहा है तो वो अपडेट आया होता है एक्चुअल में, तभी आपको बताया जाता है। आपको पता है आगे इलेक्शन है तो रेलवे की वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी, रेलवे एसएससी, ठीक है, मोस्ट अवेटेड और मोस्ट डिमांडेड वैकेंसीज होती हैं। अब तो रेलवे का आपको नोटिफिकेशन हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है, पहले ग्रुप डी आएगा या आरपीएफ आएगा वो भी कुछ कह नहीं सकते, वो रेलवे के डिपार्टमेंट को भी खुद नहीं पता होगा, तो जैसे उसका आएगा तब आपको बताऊंगी। बाकी चारों के लिए अप्लाई शुरू हो गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारा यूट्यूब में सेकेंड चैनल मीत शर्मा उसको भी टाइप करके सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।